ऑनलाइन क्लास क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2 पार्ट 2 रुघेज डाइट्री फाइबर्स दे आर आल्सो कॉल्ड रुघेज दे मेनली कंटेन सेलुलोज द कार्बोहाइड्रेट्स विच इज नॉट डाइजेस्ट इन अवर बॉडी डाइट्री फाइबर्स एड टू द अमाउंट ऑफ फूड वी ईट बट डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन दे हेल्प इन स्मूथ बाउल मूवमेंट्स दे हेल्प द बॉडी टू गेट रिड ऑफ वेस्ट इजली रुघेज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डाइट द लैक ऑफ रुघेज इन फूड लीड्स टू constipation fresh fruits vegetables and whole grains are good sources of rugage so it is good to include salad along with our meals rugage in a rugage aahar fiber bhi kaha jata hai inme mukh roop se cellulose carbohydrate hota hai jo hamare शरीर में पचाता नहीं पचता नहीं है डाइट्री फाइबर हमें इतनी भोजन की इम्पोर्टेंट में शामिल करते हैं लेकिन कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते ये चिकनी मल त्याग में मदद करता है यानी ये शरीर के लापरवाही से छुटकारा पाने में मदद करता है रुघेज हमारे आहार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भोजन में रुचि की कमी से कब्ज हो जाता है ताजे फल सब्जियां और अनाज रूखेपन से अच्छे स्रोत हैं तो हमारे भोजन के साथ सलाद भी शामिल करना अच्छा होता है वाटर वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी इट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द कंज्यूम वाटर इन द फॉर्म और ड्रिंकिंग सच हैज टी मिल्क एंड जूस वी आल्सो गेट वाटर फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड अदर बॉडी फ्लूड इट इज द एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन अवर बॉडी इट ट्रांसफर न्यूट्रिशन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रॉट ब्लड इट आल्सो कलेक्ट द वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड स्ट्रीट्स इन थॉट यूरिन इट हेल्प द बॉडी टू गेट रिड टू ऑफ वेस्ट फूड इन द फॉर्म ऑफ फिशेस अवर बॉडी हैज अबाउट 70% ऑफ वाटर वेन देयर इज ए डिफिशेंसी ऑफ वाटर इन अवर बॉडी गेट डिहाइड्रेटेड दिस मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन अवर बॉडी ड्रॉप्स बिलो द लेवल नीडेड फॉर इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग पानी पानी हमारे शरीर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है यह शरीर में होने वाली सभी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है एक सामान्य वयस्क के प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है पीने के पानी के अलावा हम चाय दूध और जूस जैसे पेय पदार्थों के रूप में पानी का सेवन करते हैं हमें फलों और सब्जियों से भी पानी प्राप्त होता है पानी रक्त प्लाज्मा और शरीर के अन्य तरल पदार्थों का एक महत्वपूर्ण घटक है यह हमारे शरीर में परिवहन का एजेंट होता है यह रक्त के माध्यम से पोषक तत्वों को शरीर के सभी भागों में स्थानांतरित करता है यह शरीर के सभी हिस्सों में अपशिष्ट को भी इकट्ठा करता है और इससे यूरिन के माध्यम से बाहर निकालता है यह शरीर के मल के रूप में अपशिष्ट से छुटकारा पाने में मदद करता है हमारे शरीर में लगभग 70% पानी है जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो हमारे शरीर निर्जरित हो जाते हैं इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा अपने समान कामकाज के आवश्यक स्तर से नीचे चली जाती है फूड ग्रुप्स ऑन द बेसिक ऑफ फंक्शंस कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स विटामिन एंड मिनरल्स परफॉर्म फूड इज ग्रुपेड इन टू 3 कैटेगरी
कार्यों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन एवं मिनरल्स भोजन के तीन भागों में विभाजित किया गया है। एनर्जी गिविंग फूड, देयर फूड आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, दे प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थों, ये खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट और वसा में समृद्ध होते हैं, ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड्स, देयर फूड्स आर रिच इन प्रोटीन्स, दे हेल्प अवर बॉडी टू ग्रो। शरीर सौद्य भोजन, ये भोजन प्रोटीन से भरपूर होते हैं और वे शरीर को विकसित होने में मदद करते हैं। प्रोटेक्टिव फूड्स, देश फूड आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स डेट प्रोटेक्ट अवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज एंड कंट्रोल अवर मेटाबॉलिज्म। सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ, ये खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिज से भरपूर होते हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं बीमारियों के खिलाफ और हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार, द फूड विच आर इट ड्यूरिंग द होल डे इज कॉल्ड अवर डाइट, ए डाइट कॉन्स्टेंट ऑफ मेनी फूड आइटम मेड फ्रॉम सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल्स, मीट, फिश, एग, मिल्क एक्सेट्रा, विच सप्लाई ऑल द न्यूट्रिशन टू अवर बॉडी। द डाइट विच कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द all of all the nutrition such as carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals sufficient for the normal growth and development of the body is called a balanced diet. A balanced diet also contains sufficient amount of water and glucose. Some food items and are rich in carbohydrates, some are rich in fats, will other mice contain more of proteins, vitamins and minerals. No signal foods item can provide us all the essential nutrition is adequate amount. So in order to make a balanced diet, we should include a numbers of different food items in our daily meals, which taken together provide us all the nutrition in adequate amount. We should also drink sufficient water and eat rugage containing foods. संतुलित आहार, पूरे दिन में जो हम भोजन खाते हैं वह उसे हमारा आहार कहा जाता है। आहार में अनाज जैसे गेहूं और चावल, दाल, फल, सब्जी, मांस, मछली, दूध से बने कई खाद्य पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को सभी पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं। आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में सही पोषक तत्व होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज पदार्थ, शरीर के समान विकास और विकास के लिए गुणांक को संतुलित आहार कहा जाता है। एक संतुलित आहार में पर्याप्त मात्रा में पानी और लोग शामिल होते हैं। तो कुछ खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं, कुछ समृद्ध होते हैं वसा, जबकि अन्य शामिल हो सकते हैं। अधिक प्रोटीन, विटामिन और खनिज, कोई भी खाद्य सामग्री हमें पर्याप्त मात्रा में सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान नहीं कर सकती है। संतुलित आहार बनाने के लिए हमें अपने दैनिक भोजन में विभिन्न खाद्य पदार्थ को शामिल करना चाहिए जो एक साथ लिया जाता है, हमें पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व प्रदान करते हैं, हमें पर्याप्त पानी पीना चाहिए और पानी और भोजन को संतुलित बनाए रखना चाहिए। डिफिशेंसी डिसीज, वी हैव जस्ट लर्न डैट द स्टेबल फूड न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड फॉर अवर बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स। इफ एनी वन ऑफ देयर न्यूट्रिशन इज इन लेस क्वान्टिटी देन रिक्वायर्ड इज ऑफ मिसिंग ऑल टूगेदर from our diet over a long period of time, then it can cause a disease in our body. A disease which arises due to the lack of nutrition like carbohydrates, fats, proteins, vitamins or minerals in your diet over a long period of time is called a deficiency disease. A deficiency disease is not caused in a day or two.
इट अकर व्हेन वन और मोर न्यूट्रिशन आर नॉट प्रेजेंट इन अवर फूड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से फॉर मंथ्स टुगेदर। आपने सिर्फ ये देखा है हमारे शरीर के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ पोषक तत्व तो कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन विटामिन और खनिज में है। यदि इन पोषक तत्वों में से कोई भी एक लंबे समय से हमारे आहार से पूछताछ या लापता होने की तुलना में कम मात्रा में होता है तो यह कारण हो सकता है हमारे शरीर में यह दशक या विकास से जो लंबे समय से हमारे आहार में पोषक तत्वों कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन विटामिन और खनिज की कमी कारण होती है। मैंने कमी की बीमारी को बुलाया देखा गया है। एक या दो दिन में कमी की जरूरत होती है यह तब तक होता है जब हमारे शरीर भोजन में एक या दो अधिक पोषक तत्व समय की कुल अवधि में मौजूद नहीं होते एक साथ एक महीने के लिए कहे जाते हैं। प्रोटीन डिफेंसिस डिसीज प्रोटीन कमी की बीमारी द डिफेंसिस ऑफ प्रोटीन्स इन द डाइट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रेन केसेस ए डिसीज नाउ एज क्रिटिकल। छोटे बच्चों के आहार में प्रोटीन कमी के कारण एक बीमारी होती है जिसे क्वासिकोर कहते हैं। क्वासिकोर डिसीज अकर्स इन चिल्ड्रेन ऑफ 1 to 5 ईयर ऑफ एज। क्वासिकोर डेवलप व्हेन ए मदर स्टॉप फीडिंग हर चाइल्ड विथ ब्रेस्ट मिल्क ड्यू टू द बर्थ ऑफ अनदर बेबी टू सून एंड आफ्टर वीनिंग फ्रॉम द प्रोटीन रिच ब्रेस्ट मिल्क द चाइल्ड फ्रॉम ए पुअर। क्वासिकोर जो बच्चों में होने वाला रोग होता है जो 1 से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को होता है। क्वासिकोर विकसित जब तक बच्चे को जन्म के कारण माँ अपने बच्चे को स्तन का दूध पिलाना बंद कर देती है तो उसे यह रोग होने लगता है और प्रोटीन के भरपूर स्तन दूध से बच्चों को दूर करने पर हटाने एक गरीब बच्चे को फैमिली इज गिवन ए डाइट कॉन्स्टेंट मेनली ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग लो प्रोटीन कॉन्टेंट दिस क्वासिकोर इज ए प्रोटीन डिफिशेंसी डिसीज। द मेन सिम्टम ऑफ प्रोटीन डिफिशेंसी इन चिल्ड्रन आर द फ्लोइंग। परिवार के मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार दिया जाता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है जिससे क्वासिकोर एक प्रोटीन की कमी वाली बीमारी है। बच्चों में प्रोटीन कमी के मुख्य लक्षण निम्नलिखित होते हैं द हेयर ऑफ चाइल्ड चेंजेस कलर एंड बिकम रेड। बच्चों के बाल रंग बदलते हैं और लाल हो जाते हैं। द स्किन ऑफ चाइल्ड क्रैक्स एंड बिकम्स स्केली। द स्टोमच ऑफ चाइल्ड बिकम्स स्लो एंड प्लेस आउट स्वेलिंग ऑफ फेस एंड फिट ऑल्सो टेक्स प्लेस। द चाइल्ड हैज स्टंटेड ग्रोथ स्लो ग्रोथ हो जाती है। द चाइल्ड हैज रिड्यूस्ड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन। द चाइल्ड बिकम्स वीक एंड इरिटेबल। बच्चों की त्वचा में सूखी हो जाती है और पपड़ीदार हो जाती है। बच्चे को पेट में सूज जाता है और बाहर निकल जाता है। सूजन चेहरे और पैरों में होने लगते हैं। इसके विकास जो बच्चों को विकास को धीमा कर देता है। बच्चे में संक्रमण के प्रतिरोध को कम कर दिया जाता है। बच्चा कमजोर होता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डिफिशेंसी डिसीज प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी के रोग। द डिफिशेंसी ऑफ प्रोटीन्स एज वेल इज कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट ऑफ वेरी स्मॉल चिल्ड्रन केसेस ऑफ डिसीज नाउ एस मरम्बस। बहुत छोटे बच्चों के आहार में प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण एक वर्ष के बच्चे को ब्रह्मस नामक बीमारी हो जाती है। मरसमस डिसीज अकर्स इन फ्रंट और बेबीज अप 1 ईयर ऑफ एज। मरमस डेवलपमेंट व्हेन इन फ्रंट ब्लो द एज ऑफ 1 ईयर आर एब्सोल्युटली गेंड अवे फ्रॉम द ब्रेस्ट मिल्क आर सब्सिक्वेंटली गिवन ए लेस न्यूट्राइड फूड विच इज डिफिशिएंट इन प्रोटीन्स एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स विच सच ए फूड इंडिकेट फॉर ए नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड।
अब बहुत छोटे बच्चों को आहार में प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की कमी का, एक वर्ष के बच्चों को मर्मज नमक हो जाता है, शिशु या में से एक मर्मज रोग होता है जिससे मर्मज विकसित होता है जब एक वर्ष के कम रुक के बच्चे अचानक स्तन के दूध से दूर रहते हैं और होते हैं। शिशुओं के बाद में कम पोषक आहार दिया जाता है जब प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो जाती है। ऐसे भोजन अपर्याप्त मात्रा में जब बच्चों को मिलता है तो क्यों ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बच्चे के समान वृद्धि और विकास के लिए रुकावट होती है। बच्चों में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की कमी का मुख्य लक्षण निम्नलिखित होते हैं। द चाइल्ड बिकम वेरी लीन एंड थिन, बच्चा बहुत दुबला और पतला हो जाता है। द चाइल्ड इज रिड्यूज टू जस्ट स्किन एंड बोन्स, द बोन्स ऑफ द चाइल्ड कैन बी सीन थॉट द स्किन, बच्चों को सिर्फ त्वचा और हड्डियों तक कम किया जा सकता है। बच्चों के हड्डियों के माध्यम से देखा जा सकता है कि इसमें पतले होते हैं जो स्किन में। द राइब्स ऑफ चाइल्ड लुक वेरी प्रोमिनेंट, बच्चों की पसलियाँ बहुत उभरी हुई दिखाई देती हैं। द चाइल्ड कैंट इवन मूव ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की कमी का बच्चा हिल भी नहीं सकता। द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड स्टॉप कंप्लीटली, बच्चे का विकास पूरी तरह से रुक जाता है। द चाइल्ड वेट बिकम वेरी लो अकॉर्डिंग टू हिज एज, बच्चे का वजन उसकी उम्र के अनुसार बहुत कम हो जाता है। विटामिन से होने वाले बीमारियां, डिफिशेंसी और ब्लॉक ऑफ वेरियस विटामिन इन द ह्यूमन डाइट गिव्स राइज टू ए नंबर ऑफ डिसीज। सम ऑफ द विटामिन डिफिशेंसी डिसीज आर नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी बेरी स्कर्वी एंड रिकेट्स। मानव आहार में विभिन्न विटामिनों की कमी या कारक कई बीमारियों जन्म देती हैं। विटामिन कमी से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाइट ब्लाइंड, बेरी बेरी स्कर्वी और रिकेट्स होते हैं। डिफिशेंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से ए पर्सन हैवी डिफिशेंसी ऑफ विटामिन ए कैन नॉट सी प्रॉपरली इन डिम लाइट। द इनएबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू सी प्रॉपरली इन डिम लाइट इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। सीवियर डिफिशेंसी ऑफ विटामिन ए ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन लीड टू टोटल ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी होने वाले व्यक्ति मंद प्रकाश में ठीक से नहीं देख सकते हैं। मंद प्रकाश को ठीक से देखने की अक्षमता को रतौंधी कहते हैं। लंबे समय तक विटामिन ए को गंभीर कमी से कुल नुकसान हो जाता है कि उनकी आंखों में दिखना बंद हो जाता है। थैंक यू।